Today and this is the online classes of SCPS. Today I am going to teach about social study and topic is maps and direction. यानी नक्शा और दिशाओं के बारे में आज हम बात करेंगे. तो देखेंगे अगर आपसे कोई पूछता है how many directions, तो आप कहते हैं there are four directions like north, east, west and south. लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि directions की kind कितनी होती हैं, तो आप बोलेंगे there are two kinds of direction like cardinal direction and intermediate direction. Cardinal directions यानी प्रमुख दिशाएं जो होती हैं वो होती हैं north, east, west, south, है ना. अगर आपसे पूछा जाए intermediate directions क्या होती हैं, तो आप बोलेंगे north east, north west, south east, south west. अब देखेंगे फाइंडिंग आउट डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है. सबसे बड़ा एग्जांपल जो हमारा सोर्स है वो क्या है, सन. सन के माध्यम से हम डायरेक्शन को अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं. देखेंगे सभी जानते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, यानी सन कहाँ पर उगता है, ईस्ट में और वेस्ट में छुपता है, सभी जानते हैं. इसके बाद सेकेंड जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है क्या, कंपास. कंपास इट्स निडिल ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ, इसकी जो निडिल होती है वो नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट आउट करती है. इससे हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि डायरेक्शन कौन सी कहाँ पर है, क्योंकि उसकी जो मेन निडिल होती है उस कहाँ करती है पॉइंट आउट, नॉर्थ में, नॉर्थ डायरेक्शन में हमेशा ये पॉइंट आउट करती है. अब देखेंगे मैप्स. मैप्स कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या करते हैं हमारे लिए. तो सबसे पहले देखेंगे मैप्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस, यानी ये किसी भी चीज़ को, अर्थ को जो प्रस्तुत करता है बिल्कुल फ्लैट सरफेस की तरीके से, लाइक किसी तरीके से. ग्लोब जो होता है वो गोल एक मॉडल होता है, लेकिन ये जो मैप्स होते हैं इस तरह से चार्ट की तरीके से होते हैं, फ्लैट सरफेस को और रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थ का भी फ्लैट सरफेस रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद देखेंगे कैन बी बिग और स्मॉल, ये मैप छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी होते हैं, ठीक है. डायरेक्शन इन द मैप्स हेल्प इन लोकेटिंग ऑफ प्लेस, यानी ये डायरेक्शन क्या करते हैं, ये किसी भी चीज़ को लोकेट करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं. अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस, और इसकी जो बुक्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बुक को, एटलस. यानी मैप्स के जो बुक होती है उसको हम एटलस बोलते हैं. देखेंगे अगर आपको ये पता है कि डायरेक्शन पूछा जाए कि कौन सी कहाँ पर है, तो आप देखेंगे टॉप, जो हमारे टॉप है इस पे, लाइक इस तरीके से, तो जो टॉप है यहाँ पर क्या है, नॉर्थ एंड जस्ट नीचे इसके क्या बोलेंगे, साउथ. यहाँ पर है वेस्ट और यहाँ पर है ईस्ट. तो अगर आपसे पूछा जाए टॉप पर नॉर्थ है, बॉटम में साउथ है ना, एंड राइट साइड में ईस्ट एंड लेफ्ट साइड में वेस्ट, तो आपको डायरेक्शन ये अच्छे से लर्न करनी है. इसके बाद देखेंगे ग्लोब. ग्लोब क्या करता है, अ मॉडल ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का एक पूरा एक मॉडल होता है, उसी तरह राउंड इन शेप एंड स्लाइटली टिल्ट, यानी ये क्या है, राउंड इन शेप में तो होता है लेकिन हल्का सा तिरछा झुका हुआ होता है ना. इसके बाद देखेंगे वी नीड रोटेट इट टू सी ऑल प्लेसेस ऑन द ग्लोब. ग्लोब को अगर सारे प्लेसेस देखने के लिए हम गोल इसको ग्लोब को घुमाना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है, इसके माध्यम से ही हम सारे प्लेसेस उसके देख सकते हैं. तो ये आज हमने क्या सीखा, ग्लोब के बारे में, और हम डायरेक्शंस कौन सी कहाँ पर होती है उसके बारे में, मैप क्या करता है हमारे लिए इसके बारे में, फाइंड आउट डायरेक्शन यानी फाइंडिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें मेन होती हैं उनको देखा, सन और कंपास. इसके बाद कॉर्डिनल डायरेक्शन, इंटरमीडिएट डायरेक्शन, कॉर्डिनल डायरेक्शन फोर होती हैं और इंटरमीडिएट भी फोर होती हैं. मेन डायरेक्शन ये होती हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और ये होती हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन लाइक नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. इसको अच्छे से लर्न करना. थैंक यू.